अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सऊदी अरेबिया में अबशर का मोबाइल नंबर ऑनलाइन से चेंज कैसे कर सकते हो। ये सब कुछ आप अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हो। बस आपके पास आपका अबशर का पासवर्ड और आपके पास आपका पासपोर्ट नंबर होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर ऑनलाइन से अपडेट कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले आपने कोई ब्राउज़र चूज़ कर लेना है। ब्राउज़र चूज़ करने के बाद फिर आपने उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपने रिसर्च में अबशर मोबाइल नंबर चेंज आपने बिल्कुल यही लिख लेना है जैसा मैं लिख रहा हूँ। ये लिख लेने के बाद फिर आपने इसे रिसर्च कर लेना है। रिसर्च करने के बाद फिर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा चेंज मोबाइल नंबर, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा वेलकम टू चेंज मोबाइल सर्विस, आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ आएगा यूज़र नेम आईडी नंबर, आपने यहाँ से अपना इकामा नंबर एंटर कर लेना है या आपके पास यूज़र नेम है तो आपने वो यूज़र नेम एंटर कर लेना है। यूज़र नेम एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है, जो भी आपका पासवर्ड है आपने वो एंटर कर लेना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा क्वेश्चन, आपने यहाँ से क्वेश्चन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, यहाँ से आप पासवर्ड का भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, इंडिपेंडेंस का भी चूज कर सकते हो। मैं यहाँ से डिपेंडेंस का चूज़ करूँगा। तो फिर यहाँ से आपने उसका इकामा नंबर या फिर आपका पासपोर्ट है तो फिर यहाँ से आपने पासपोर्ट का नंबर एंटर कर लेने हैं। नंबर्स एंटर करने के बाद फिर नीचे आएगा मोबाइल नंबर, यहाँ से आपने अपना न्यू मोबाइल नंबर, जो आपका न्यू मोबाइल नंबर है आपने वो एंटर कर लेना है। आप यहाँ से कोई भी मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद फिर आपने यहां से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी यहां पर इंटर कर लेना है। ओटीपी इंटर करने के बाद फिर यहां से आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। बस आपने 5 मिनट वेट कर लेना है और उसके बाद फिर आपने अपने अबशर में लॉगिन होना है। तो अब आपने यहाँ से अपना इकामा नंबर या फिर यूज़र नेम आपने वो एंटर कर लेना है। इकामा नंबर एंटर करने के बाद फिर आपने अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है, जो भी आपका पासवर्ड है आपने वो एंटर कर लेना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब आपके न्यू मोबाइल नंबर पर कोड आएगा, आपने वो कोड यहाँ पर एंटर कर लेना है। कोड एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने लॉगिन पर क्लिक कर लेना है और इस तरह से आपका मोबाइल नंबर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अब आपका न्यू मोबाइल नंबर लग गया है और इस तरह आप अपना मोबाइल नंबर खुद ही चेंज कर सकते हो। आपको अबशर थंब वेरिफिकेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।